नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपको स्वागत करता हूं आज के एक फ्रेश और नया एपिसोड में। आई थिंक आपने टाइटल देखकर फाइंड आउट कर चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आप इम्पोर्टेंस में इसको बता सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेटर है। ये एक एजुकेशन पर्पज़ में भी है, आप इसको काइंडली देखिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए, ठीक है। और फिर चलिए शुरू करते हैं, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आपने सब देखे होंगे कि जो टॉपिक से ये आपका आज का वाटर क्राइसिस इन इंडिया और उसका सल्यूशन क्या है, उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आपको पता है वाटर क्राइसिस क्यों हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? डे बाय डे आपको पता होगा कि डे बाय डे जो अभी हमारी नीचे पानी का स्तर, जो पानी का जो लेयर है, वो डिक्रीज हो रहा है दोस्तों। क्यों हो रहा है दोस्तों, उसका रीजन में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ। रीजन ये है दोस्तों कि अभी आप खुद ही सोच लीजिए कि डे बाय डे हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ थिंग ये है, जब पॉपुलेशन ग्रो होता है तो जंगल का जो परसेंटेज है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जितना भी पेड़ पौधे हैं उनको कटिंग किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। और कट करने से क्या होता है, लोग वहाँ पे जाकर घर करते हैं फाइनली। उसके बाद जो रोड है, जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है दोस्तों, जो रोड है उसको ज़्यादा एक्सप्लान किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से भी व्हीकल जो है, मोटर से, कार से, वो डे बाई डे इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो होता है बारिश ठीक समय में नहीं होता है दोस्तों, और हमारे जो क्लाइमेट्स को वो भी उसके ऊपर डिफरेंट प्रभाव आता है और इफेक्ट भी आता है दोस्तों, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। बस आपको ये मैं टिप, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आज फॉर माय ओपिनियन, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, इस सिचुएशन को आगे कैसे ना हो। अभी 2020 चल रहा है दोस्तों, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे प्रॉब्लम झेलना ना पड़े, उस विषय में मैं थोड़ा सा आपको कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप खुद सोचिए, जो पानी, अभी हम वाटर ड्रिंकिंग का बात करें, चाहे हम रॉ वाटर हो गया या ग्राउंड वाटर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, तो आप जो पानी को यूज करते, सपोज आप कपड़े धोते, जो पानी को यूज करते, तो उसको आप पौधे में दे सकते हैं, बट सबका जो लिक्विड सर से जो आप पानी, जो कपड़ा साफ करते, वो पानी पौधे में आप देंगे तो वो पौधा का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। क्योंकि अभी जो है, अभी ऑर्गेनिक वे से बहुत सारे कंपनी अवेलेबल है, जिसमें अच्छा लिक्विड्स हो गया है, उसमें भी आप इसको यूज करते हैं। जैसे मैं दोस्तों बात करूँ, वॉशिंग मशीन आप यूज करते हैं, उसका भी पानी आता है, जो वेस्टेज पानी है कपड़ा धोने के बाद, उसको आप प्योरीफाई कर सकते हैं मशीन से, उसको आप ड्रिंकिंग वाटर से प्योरीफाई कर सकते हैं, राइट। सेकेंड ऑफ थिंग आप एसी यूज करते दोस्तों, एसी में डेली आपका वेस्टेज होता है पानी, एक बाल्टी के हिसाब से डेली आप करेंगे तो मंथली और पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। वो पानी आप नहा नहीं सकते, बट बर्तन भी धो सकते वो, क्योंकि वो जो पानी आप पी नहीं सकते, बट उसका दूसरे वे से आप इसको यूज कर सकते। यहाँ पे हम, मैंने फाइंड आउट किया हूँ कि पिछले वन ईयर की हम बात करें तो जो पानी का प्रॉब्लम है, जो पानी हम यूज करते, हाथ धोने का जो पानी यूज करते हैं, हम कूलर में भी पानी यूज करते, वो पानी को यूज होने के बाद जो वेस्टेज पानी है, हम उसको प्योरीफाई करके दूसरे वे से जो है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते, जो कि बेटर होगा और हमारी पानी का बचत होगा। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको ये भी बताया था कि जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है डे बाय डे, तो हमारी पेड़ पौधे जो है वो जो है उनका जो परसेंटेज था वो डाउन हो रहा है, जिसके चलते दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं, विंटर में ज़्यादा बारिश हो रहा है, समर सीजन में जहाँ पर बारिश की रिक्वायरमेंट है बारिश नहीं होता है, जब फार्मिंग का टाइमिंग आता है, जब एग्रीकल्चर के, जब किसान को पानी चाहिए होता है, जब बारिश का रिक्वायरमेंट अब होता है तो बारिश नहीं होता है। अभी आप खुद देख लीजिए, अब उड़ीसा में जैसे पहले फोनी आया था, अभी अम्फान आ गया, अभी देखिए अभी ये जो क्लाइमेट्स चेंज हो रहा है, तो अभी तो माने पानी की रिक्वायरमेंट कम है, जितना नहीं होना चाहिए उतना हो रहा है, तो अभी देखिए कितना मतलब डाउन हो गया इंडिया का इकोनॉमिक भी से डाउन होता है ना। अब स्टेट का डाउन होगा तो ऑब्वियसली कंट्री का ही डाउन होता है, किसी और से आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो वही है। ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कोशिश करें पर डे बेसिस में
कि एक जन बेसिस में यदि अभी आप आज की डेट पर 130 करोड़ से अभव जो इंडिया का पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हम एक जन यानी कि 1% डेली हम एक एक पेड़ पौधे लगाए डेली बेसिस में या हेड काउंट के हिसाब से बनाएंगे, तो धीरे धीरे इसमें हम इम्प्रूव ला सकते हैं दोस्तों। इम्प्रूव लाने से क्या होगा दोस्तों, पानी का जो समस्या है वो नहीं होगा, नेचुरल क्लाइमेट का जो प्रभाव हो और डिफेंडेबल होता है कि ठीक समय में ठीक पानी नहीं होता है, जब किसान को बारिश होने की रिक्वायरमेंट है तब नहीं होता है, वो ठीक समय में हो पाएगा दोस्तों, ये बेटर है हम लोगों के लिए, राइट। सेकेंड अब थिंग मैं बात कर रहा था ड्रिंकिंग वाटर को लेकर, ठीक। ड्रिंकिंग वाटर दोस्तों देखा गया है कि 2030 यानी कि आफ्टर 10 ईयर उसमें बड़ा क्राइसिस आने वाला है, अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, जो फाइंड आउट हुआ है ऑलरेडी 30 से 40 सिटी में ये हुआ है, इंक्लूडिंग मैं बात करूँ तो दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, राइट। तो बहुत सारे ऐसा हमारी जो स्टेट है जिसमें पानी का प्रॉब्लम अभी से शुरू हो गया है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो चाहे आप जो पानी यूज करते, वही पानी तो नीचे से आता है ना, माटी के नीचे से आता है, अब पानी का जो लेयर है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड अब थिंक दोस्तों कि हम जो पानी जो वाटर यूज करते हैं, आपको पता है दोस्तों जल ही जीवन है, पानी नहीं रहेगा तो आगे हमारी अभी से तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप खुद ही सोचिए 2030, 2040, 2050 तक कितना बड़ा क्राइसिस आ जाएगा इसमें, राइट। मैंने आपको जैसे बताया जो हमारी वेस्टेज पानी है हम इसको प्योरीफाई करके दूसरे वे से जो इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पेड़ पौधे में लगा सकते हैं, राइट। बट अभी ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो पानी आप यूज करते, कभी मैं फाइंड आउट कब क्या हूँ, कभी टैंकी फुल हो गया है तो पानी जो है रोड में जाकर वेस्टेज हो रहा है, कभी आप बाथरूम पर पानी ओपन कर लेते हो बट उसको जो है बकेट्स आपका फुलफिल फील हो गया है बट पानी जो है वेस्ट हो रहा है, ये छोटा छोटा चीज़ जो है ना उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो वाटर का क्राइसिस है ना ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। सबको पता है 3% वाटर है बट ये जो सिचुएशन अभी हो रहा है उसको हमको सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है वाटर को कैसे मतलब सुरक्षा करें, कैसे इसको कम से कम यूज करें और सही वे से इसको यूज करें ताकि आगे आने वाले जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। यही मैं आप लोगों को यही चीज़ बताना चाहता था दोस्तों, और मैंने उससे पहले भी आपको बताया कि आप किस वे से उसको जो है स्टोरेज कर सकते हैं, बारिश का पानी को भी आप स्टोरेज कर सकते हैं, बारिश का पानी को आप स्टोरेज करके उसको प्योरीफाई करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बारिश का पानी जो आता है वो तो बिल्कुल वाइट आता है, और नेचुरल पानी की बात करें तो वो अलग हो गया, जैसे पहाड़ों में या फॉरेस्ट में जो पानी आता है झरना का पानी हो गया, वो बिल्कुल प्योरीफाई होता है और उसमें आपका कोई भी जैसे आप बात करें तो उसमें बिल्कुल वो पल्यूटेड भी नहीं होता है, नीट एंड क्लीन होता है वो पानी, कभी आप पिए होंगे तो देखे होंगे उसमें आपका डाइजिन कितना अच्छा होता है शरीर को और आपका चेहरे में चमक आता है, राइट। तो यही चीज़ है दोस्तों, ये मेरा कहने का मतलब यही है फाइनली कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वाटर का क्राइसिस है अभी इंडिया में चाहे बात करूँ या ऑल वर्ल्ड की बात करूँ, अभी से हम सभी को इसके ऊपर जो है ध्यान देना है, इसको सही वे से इम्प्लीमेंट करना है ताकि आगे जाकर ये कोई भी समस्या कोई भी क्रिएटिव जो प्रॉब्लम हो रहा है आगे ना हो दोस्तों। ये छोटा सा एजुकेशन पर्पस में था दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम बात करेंगे एक नया एपिसोड में एक नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमारे एक नया चैनल क्रिएट हुआ है जो कि MK न्यूज़ के नाम पे, आई थिंक आप तो आपसे काफ़ी लोगों उनको देखा ही होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों, उसको आप जाके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें हम हेल्थ रिगार्डिंग हेल्थ टिप्स और उसमें हम बिज़नेस रिगार्डिंग और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा दोस्तों आपका क्या सुझाव है, दिल से एक लाइक कीजिएगा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों ये वीडियो को, जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि सबको पता लगे इस बारे में, थोड़ा अवेयरनेस हो जाए कि अपने आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए दोस्तों कि हम पानी का भी सुरक्षा करें, पेड़ का भी सुरक्षा करें, पेड़ पौधे लगाए डे बाय डे ताकि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहे दोस्तों, वो भी आप काइंडली देखेंगे तो हम सब में एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो क्राइसिस आगे आने वाला है आफ्टर 30 ईयर ये प्रॉब्लम आगे जाकर ना हो दोस्तों, मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। और आपको पता है अभी एटमोसफियर जो है अभी COVID-19 की वजह से तो मैं बात करूँ तो अभी थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हुआ है,
बट आगे जाकर वो तो वही सिचुएशन में आने ही वाला है। बट हम अभी से जल्दी थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना, मुझे लग रहा है कि ये जो क्राइसिस आने वाला है आगे, और अभी जो ये फाइनली शुरू हो रहा है, वो आगे इसमें थोड़ा सा राहत मिल सकता है। और हम सब चाहेंगे, इंडिया के 130 करोड़ सेवक है, हम सब मिल जाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम है आगे नहीं आएगा। हम सब इसको मुड़ के जो है, सब मिलके जो है इसको फाइंड आउट और इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए